ओके सो गाइस, अभी हम आ गए हैं एमपी के सबसे बड़े जो ब्रिज है, खुला है, वो देखने आ गए हैं कितना बड़ा है। और अभी आधी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है कि ये अभी आधे ही खुला है। प्रो टिप दे देता हूँ कि गर्लफ्रेंड के साथ मत आना। गाइस, हमने आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जगह खोज निकाली है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह सुबह ये भी आ चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं क्या करने, कार्डियो रनिंग करने। तो आज ज्वाइन करेंगे, कार्डियो करेंगे, क्योंकि हमको पता चला कि सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है। तो आज सुबह हम लोग जा रहे हैं, अभी अनु जा रहा है और एक हमारे जिम वाले भैया यश भैया, उनके साथ हम लोग जाएंगे ग्राउंड और आज करेंगे वर्कआउट और आपको भी दिखाते हैं और बताते हैं। लेट्स सी। अरे आर्यन भाई आए, कोई बोल सकता क्या? आर्यन भाई देखो गाइस, शहर जागा हो ना जागा हो, पर हम तो जाग गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये नियोफिट जिम, पहले था ये एथलीट, अब हो गया नियोफिट। क्या पता लॉस हो गया। और बाजू देखो, एनी टाइम फिटनेस कंपटीशन देने के लिए तो महंगा जिम है, ये थोड़ा कंपेरेटिवली सस्ता जिम है। और बस फिर अभी मैं नॉडी फिट खोल लूँगा एक जिम, सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा, है ना। आर्यन फिट, आर्यन सप्लीमेंट खोलेंगे, नॉडी जिम खोलेंगे, बस फिटनेस इंडस्ट्री में आग लग जाएगी। हेलो गाइस, मीट यश भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ चल रहे हैं अभी? अपन एमपी भी चलते हैं। हाँ चलो, एमपी भी चलते हैं। गाइस, अभी हम लोग ये एमपी भी एंटर कर गए ना, इसे कह सकते हो जलपरी। हाँ, तो ना जल है ना परी है, बात तो सही है। ओके सो गाइस, हम लोग आ गए हैं पांडू ताल स्टेडियम। चलो चलो। सो गाइस, प्लान इज चेंज्ड। यहाँ पे बहुत भारी भीड़ होने के कारण अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शिवाजी ग्राउंड। ये देखिए, ये भी पूरा पूरा भरा हुआ है। और A few moments later. Guys, अब हम लोग आ चुके हैं फाइनली रेलवे ग्राउंड। बहुत बढ़िया लग रहा है, मैच हो रहा है यार यहाँ तो। सुंदर ग्राउंड है गाइस। चाबी तो छूट जाती है यहीं पे। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। अरे स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला, गाड़ी चला। चलो बे। गाइस, आर्यन तेज भाग तो लेता है पर मेरे से तेज नहीं भाग पाता। पट्टा से हेडशॉट। अबे भाग दिए बे, पकड़। मैं भी एक बॉल डालूंगा। टारगेट क्या होगा? ए गट्टा। वहां वो फुटबॉल मिल लेने चला गया। मेरे को पास कर। बच्चे
चलो उड़ जा रहे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंदी है, पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है। चल बन जा रहे सुल्तान। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देख ले तो मेरे में कितनी ताकत है, आराम से 400 किलो का। ये ओके गाइस, वर्कआउट हमारा अब हो गया है फाइनली, और अब जा रहे हैं घर। किन का मैच हो रहा है? हिमाचल और मणिपुर। हैं सिक्स किसके, जीरो किसके? अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये व्हाइट वाली मणिपुर है गाइस। 6-0 बाप रे गाइस, मणिपुर ओपी इन द चैट। आगे बताते हैं हम क्या क्या करते हैं। ओके सो गाइस, अभी हम आ गए हैं एमपी के सबसे बड़े जो ब्रिज है, खुला है, ये देखिए मेरे पीछे है। अभी हम उसको देखने आ गए हैं क्योंकि क्योंकि हमको व्यूज चाहिए है, ठीक है, बनी बात। तो मामा जी आए थे इसके इनॉग्रेशन में और वो मुझसे मिल नहीं पाए, उनका बैड लक। तो अभी मैं आ गया हूँ आर्यन के साथ यहाँ पे, आपको अभी दिखाएंगे कैसा क्या है, कितना बड़ा है। और अभी आधी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है कि ये अभी आधा ही खुला है, आधा अभी बन रहा है, जो कि आपको बताया नहीं गया पर मैंने बता दिया। चलिए अभी चलते हैं, कितना बड़ा है बताएंगे और आपका टाइम कितना बचेगा इसको यूज़ करके वो भी बताएंगे आपको लगभग। और चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस हमने कर दिया स्टार्ट और हम यहाँ से चालू हो गए मदन महल से जाना। ये देखिए वो पीछे से हमारे हैं शास्त्री, उसको सौगड्ढे से होते हुए ये मारुति सुजुकी अरीना। और बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, एमपी के सबसे बड़े पुल में आके मज़ा तो वैसे नहीं आ रहा है, कैमरे के लिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ देखते हैं अभी आगे बताते हैं। गाइस जेन्युइन रिव्यू, उबड़ खाबड़ा रोड है थोड़ी सी गाइस, ये देखो गाइस, देख गाइस 48 सेकंड हुए अभी हम बीच में आए पुल के, अभी इसको यहाँ से करते हैं स्टॉप। गाइस ये देखिए लोग यहाँ से बढ़िया नज़ारे लेते हुए अभी आएंगे, अभी लोग आएंगे घूमने। गाइस आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ कि गर्लफ्रेंड के साथ मत आना, छप जाओगे, इतने सारे लोग अभी हैं यहाँ पे। ये देखिए रुक जरा गाड़ी, हम भी देखें जरा नज़ारे। ओके सो गाइस ये देखिए यहाँ से नीचे, यहाँ पे पहले तो वैसे क्या कहते हैं मदन महल का वो क्या था, पेट्रोल पंप, यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो वहाँ पे मदन महल स्टेशन आ जाएगा। तो अभी आप इस चौक अड्डे में हैं, यहाँ से आप जाएंगे तो दशमेश द्वार आ जाएगा, दशमेश द्वार और वहीं से आगे हमारा जिम। तो फिलहाल तो अभी यही है और वहाँ पीछे से हम आए हैं शास्त्री ब्रिज के, वहाँ से जो भी आप समझ जाओ आगे। नाइस गाइस, हमने आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जगह खोज निकाली है, ये देखिए आपको कुछ नहीं यहाँ से कूदना है और ये देखिए यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अब आप ऊपर कैसा होगा हमको भी नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे अपना यदि आप जो करते हैं कर सकते हैं। ये फिर देखिए ये नासा में है। तो गाइस चलिए अब यहाँ से चलते हैं मेडिकल साइड, और ये देखिए यहाँ से जो गया है वो वाला एरिया भी बंद है, क्योंकि वो जाएगा तो जब खुलेगा मदन महल वाला एरिया, वो जब खुलेगा तो दिखाएंगे, लेकिन अभी ये वाला रूट खुला है। और मामा जी इसी में मस्त मजे लेके दौड़े होंगे, मतलब गाड़ी गाड़ी में घूमे होंगे। चलिए बताते हैं, स्टार्ट कर दे। हाँ तो गाइस देखो टाइमर वापस स्टार्ट हो गया है, अभी आपको बताएंगे हम, वो वैसे मेडिकल गई है रोड, तो अभी हम सीधे आपको मेडिकल जाएंगे और मेडिकल में दिखाएंगे कि क्या कहते हैं कितने टाइम में आप इजीली पहुंच सकते हो। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया है, क्योंकि ऐसे सीधे एक रोड में आप वहाँ से आओगे सीधे मेडिकल, तो इट्स वेरी गुड, अच्छा किया गया जो भी किया गया है फिलहाल तो। और ठंडी हवाएं लग रही है, वाइब सही में बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया। कभी आप यदि इस एरिया में रहते हो रात में खाना पीना करो और आ जाओ मस्त यहाँ पे मज़े लेने, हवा लेने, एकदम कपल गोल्स हमारी तरह।
है क्या बोल रहा बहुत जल्दी उतर गया बेटे मेडिकल ही है ना ये मेडिकल की रूट मेडिकल वाली रोड है मतलब ये लेकिन उतर तो बहुत पहले ही गया है पेट्रोल पंप तो उतर गया भाई। ओके सो गाइस ये कौन सा एरिया कहलाएगा गाइस गाइस ये एरिया तो नहीं पता बट ये रोड मेडिकल की यहाँ से सीधा आएगी मेडिकल जा सकते हैं मेडिकल की रोड आएगी यहाँ सीधे पान वाले से पूछते जा रहा है कौन सा एरिया कहलाता है भैया ये कौन सा एरिया है तो हुआ ये अच्छा LIC पे खत्म हुआ है गुलाटी पेट्रोल पंप। तो गाइस थैंक्स टू भैया गुलाटी पेट्रोल पंप में ये ब्रिज खत्म हुआ है और मज़ा आ गया है अभी दोबारा जाएंगे हम एक रोमांटिक सी राइड लेने। नाइस ये रहा गुलाटी पेट्रोल पंप गाइस यहीं पे उतरा है हमारा ये पुल अच्छा है बहुत टाइम बच गया आपका गाइस बस देखो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ा रोड है यही गलती है यहाँ की अब यदि ये ठीक हो जाए तो अच्छी बात है नहीं होता है तो हम बताते रहेंगे आपको। गणपति बप्पा मोरया। सो गाइस सो दैट्स इट फॉर टुडे यही था आज के ब्लॉग के लिए कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो और अब ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स कंसिस्टेंटली आते रहेंगे क्वालिटी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। जबलपुर के नंबर्स हमारे उतने ज़्यादा हो नहीं पाए क्योंकि कंसिस्टेंट वीडियोस मेरे नहीं आ रहे थे लेकिन अब वीडियोस भी कंसिस्टेंटली आएंगे और क्वालिटी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे चैनल पे जहां भी आपको कोई लगे जबलपुर की जगह जो हम लोग को कवर करनी चाहिए मेरे को कवर करनी चाहिए उस जगह की बना देंगे वीडियो जो भी आपको मंदिर प्लेस जो भी है सब बढ़िया वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मेरा पहला गाना वो थी बड़ी प्यारी ये अभी तक आपने नहीं सुना है तो वो सुन सकते हैं आप जाके अगला गाना कन्फ्यूज कन्फेशंस वो भी आने वाला है और कॉलेज सीरीज़ के लिए आपने ब्लॉग नहीं देखे तो वो देखिए बहुत बढ़िया ब्लॉग्स है आपको बहुत यूनिक और मज़ेदार ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। इंटर्नशिप सीरीज़ के आप ब्लॉग्स देख सकते हैं वो आपको बहुत मज़ा आएगा बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स ऑलरेडी चैनल पर डाले हैं और बढ़िया बढ़िया आने वाले हैं फ्यूचर में बस आप सपोर्ट दिखाते रहिएगा और हम आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे और जल्दी हम जबलपुर के टॉप क्रिएटर्स में होंगे। एंड यही आज के वीडियो के लिए अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय। बड़ी प्यारी उसकी बातें उसकी प्यारी उसकी स्माइल मुझ पे भारी मैं देखूँ हर बारी मैं बोलूँ दुनियादारी उसे लगे ना बीमारी मेरी दुआ हर बारी है दुआ हर